नमस्कार मेरे किसान भाई, क्षमा चाहेंगे। नमस्कार मेरे किसान भाई और बहनों, उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ हो। और एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है किसान अपडेट में, जहां पर हम आप लोगों को बताते हैं कि आज आधिकारिक दाम क्या रहे फल मंडी में और सब्जी मंडी में, सभी फल और सब्जियों के। आप लोगों का इसमें स्वागत है और आप सभी लोग जो इस समय पर इस स्ट्रीम को देख रहे हैं, आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग इस स्ट्रीम को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करेंगे। अगर आज की यदि बात करें तो थोड़ी देर पहले ही हम आप लोगों के बीच में सेब की लाइव बोलियां दिखा रहे थे, और सेब की लाइव बोलियों में जैसे हम लोगों ने आप लोगों को दिखाया कि जो सेब है उसका जो दाम है अच्छे माल का, उसका तो थोड़ा बहुत फिर भी मिल रहा है, लेकिन फिर भी उसके साथ साथ बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पर कंसीडर करी जानी चाहिए। एक अच्छी स्ट्रीम हमने यहाँ पर की है फार्मर प्रोड्यूस कंपनी के ऊपर, आप उस स्ट्रीम को भी ज़रूर देखिए। यहाँ पर दीपक सिंगा जी के साथ एक साक्षात्कार है, उसे देखिए वो क्या कह रहे हैं कि किस तरह से एक किसान और एक बागवान डिसाइड कर सकता है कि उसे किस दाम पर यहाँ पर अपना सेब बेचना है। बहरहाल उस पर बात दोबारा करेंगे, लेकिन अभी के लिए जो बात हम यहाँ पर करने आए हैं वो है आधिकारिक दाम क्या रहे। टमाटर की बात करें जिसका सीजन अभी खत्म होने वाला है, या सेब की बात करें जिसका सीजन डिलेड है, यानी कि वो भी 15 या 20 दिनों में खत्म होना था लेकिन वो अभी के लिए डिलेड होकर यहाँ पर कम से कम एक महीना और चलने को है, थोड़ा उससे भी ज़्यादा चलेगा लेकिन उसके बाद थोड़ा मंडियों में सेब आना कम हो जाता है। बहरहाल शुरुआत करते हैं। तो आज जब हम इस सीज़न की बात कर रहे हैं, इस मंडी की बात कर रहे हैं, इस सेब की बात कर रहे हैं, तो आपको बता दें कि जो आज के आधिकारिक दाम रहे हैं उसमें 600 से 700 रुपए का क्रेट अभी भी हमारे बीच में टमाटर का बिका है, वहीं पर स्थिर है जहां पर कल था। 25 रुपए प्रति किलो तक हमारे बीच में टमाटर जा रहा है, और सभी रेट्स क्या कह रहे हैं वो आपको बताते हैं एक एक करके सारे रेट्स आप लोगों को यहाँ पर बताएंगे। तो टमाटर की आज की अगर हमारे बीच में रहा, हाँ ये सब बताने से पहले आप सभी लोगों से ये जरूर कहेंगे कि स्ट्रीम को जितना ज्यादा हो सके शेयर करें। शुरू करते हैं जी, शुरू से टमाटर की बात करें, 4 से 25 रुपए प्रति किलो तक बिक रहा है, औसतन दर इसके 17 रुपए प्रति किलो तक रही है। शिमला मिर्च 12 से 30, फ्रांस बीन 25 से 38, गाजर 15 से 25, बंद गोभी 8 से 15, फूल गोभी 25 से 30, हरा धनिया 80 से 100। हरा धनिया इस बार जिसने भी लगाया वो बहुत मस्त रहा है। हरा मटर भी इसी रेट में बिक रहा है, हरा धनिया भी इसी रेट में बिक रहा है, धनिया की आप सब्जी नहीं बना सकते बस। हरा मटर भी 80 से 100 बिक रहा है, और क्षमा चाहेंगे 95 से 100 बिक रहा है, वो ज्यादा तेजी है उसमें। चने दाल खा लेंगे भाई थोड़ी देर में, अभी यहाँ पे सब्जियों के रेट बता ले, इसके बाद थोड़ी देर में आपको बताते हैं। बैंगन की बात करें 15 से 30 रुपए तक बिक रहा है, कद्दू की बात करें 8 से 10 रुपए तक बिक रहा है, खीरा 8 से 25 रुपए तक बिक रहा है, आलू 15 से 25 रुपए तक बिक रहा है, मूली 60 से 100 रुपए या 6 से 100 है, शायद यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, भिंडी 15 से 20 और घिया 5 से 10 रुपए तक बिक रहा है। प्याज की बात करें 20 से 22, करेला 20 से 30, लहसुन 30 से 90, एक बार पुराने अपने दाम पर पहुंच चुका है लहसुन के बाद, अदरक ने पुराना 20 से 55, मशरूम 90 से 120, हरी मिर्च 10 से 30, और उसके बाद पालक की बात करें 20 से 30, 12 से 20 अरबी, तोरी 20 से 25, सेब 30 से 130, पपीता 20 से 30, नींबू 50 से 70, अनार 50 से 75, केला 17 से 27, मौसमी 30 से 35, अनानास 30 से 70, 10 से 25 अमरूद, चीकू 30 से 35, नाशपाती 20 से 50, तरबूज 25 से 30, और आम का कोई आज भाव नहीं है। ये तो रहे सभी आधिकारिक भाव, और अभी आप लोगों के कमेंट अगर कोई है तो उसे देख लेते हैं कि कोई अगर कमेंट है तो उसके बारे में आप लोगों को यहाँ पर जानकारी देंगे, आपका कोई प्रश्न रहता है तो। जैसे कि हमने बताया सोलन की यदि बात करें तो सोलन की मंडी में हमारे बीच में अधिकतम आज जो सेब की पेटी बिकी है अभी तक वो 2150 की बिकी है, और उसी के साथ साथ आज अगर हम बात करें बाकी सब चीज़ों की, टमाटर की तो 600 से 700 रुपए की क्रेट हमारे बीच में बिकी रही है। तो अब चार कमेंट्स मैं देख सकता हूँ, और आपने चार लोगों ने चीज़ें शेयर किया, उन्होंने बड़ा अच्छा है। हाँ चना दाल वाले भाई हमारे बीच में यहीं पे पकड़े हैं, हमने यहीं पे खड़े हैं, उनसे भी बात करेंगे अक्षय चौहान जी, लेकिन आपने शेयर किया उसके लिए बहुत धन्यवाद। सर टमाटर का रेट बनाने का क्या फ़ायदा इस टाइम? जी बिल्कुल सर, 90% फसल खत्म हो चुकी है, और उसी के साथ साथ ये भी है कि जो नया टमाटर आ रहा है केवल उसी को रेट मिल रहा है, पुराने टमाटर को कोई उतना रेट नहीं मिल रहा है। भिंडी की बात यहाँ पर वीरेंद्र ठाकुर जी ने की है, वो बताने की कोशिश करेंगे। भिंडी हमारे बीच में भिंडी हमारे बीच में 15 से 20 रुपये तक बिक रही है, औसत दर इसकी 18 रुपये है। आप सभी लोग जो यहाँ पर जुड़े आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और स्ट्रीम को जरूर शेयर करें ये जरूर कहेंगे, और साथ ही साथ में एक कमेंट और है, बहुत ज्यादा लगा गया, टमाटर अदरक बीन लहसुन देसी आलू लिखा है जी। लहसुन हमारे बीच में 30 से 80 तक है, भिंडी जैसे हमने बताया 15 से 20, टमाटर हमारे बीच में जो अच्छा है और नया है वो 600 से 700 रुपए तक क्रेट जा रहा है। अदरक और बीन का हम यहाँ पे बता देते हैं, मुझे उसका याद नहीं हुआ, अदरक हमारे बीच में है जी 20 से 55, और फ्रांस बीन हमारे बीच में है, बीन कहाँ गई,
आलू किसने पूछा था वो 15 से 25 तक मिल रहा है, और बीन हमारे बीच में फिर से एक बारी गायब हो चुकी है, फ्रास बीन 25 से 38 रुपए। तो आप सभी लोगों का यहाँ पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, स्ट्रीम जरूर शेयर कीजिए। और हमने सेब की बोलियाँ दिखाई हैं, वो भी देखिए, इसके साथ साथ हमने आप लोगों को अभी थोड़ी देर में कीवी का दिखाने वाले हैं, बहुत अच्छा कीवी आया है, इतना महंगा बिका है, वो भी बताएंगे। देखते रहे लाइफ टाइम्स टीवी, मेरा नाम है मुकुल देव रक्षपति, वीडियो जर्नलिस्ट शुभम शर्मा जी मेरे साथ, जय हिंद।